गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 10वीं क्लास में एसएस में अपनी विरासत का संरक्षण कैसे करना चाहिए इस पाठ में, पाठ 7 में आपको प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थलों के विषय में समझाऊंगी। प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों की देखभाल तथा देखभाल संबंधी कानून निर्धारित किए गए हैं। भारतीय विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हो गए। मतलब हमारे भारत देश की विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी वैसे ही उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध बहुत तेजी से होने लगा। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें विविधता देखने को बच्चों मिलती है। पुरातत्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से संबंधित कानून भी बनाया है, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थल और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव भी दिया है। पुरातत्व के विभाग नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थल का पर उत्खनन नहीं कर सकते। मतलब पूरा तत्व विभाग के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था का आदमी हो या एजेंसी का आदमी हो, वो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी जगह की या स्थल की वो उत्खनन यानी खुदाई करवा नहीं सकता। अतः चोरी छुपे किया जाने वाला उत्खनन रुका है और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित है। कभी कभी क्या रहता है, चोरी छुपे लोग पुरान चीजों को खोद कर वहां से उठा ले जाते हैं, तो इन सब पे सरकार ने कठोर नियम लगाए हैं, इसलिए आज भी हमारा विरासत सुरक्षित पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने हमारे जो महत्वपूर्ण विरासत है उसको ऐतिहासिक स्थलों में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। उनके रख रखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को सौंपा है, पुरातत्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंप दिया है। मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों मात्र कानून बनाने से नहीं, हम अगर जब तक कानून भले से बन गया कि आप पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, ये सब मात्र उनके कानून बनाने से नहीं, जब तक हम उस कानून का बनाए गए नियम का को हम पालन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। पुरातत्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर पहुंचे स्मारकों स्थलों को निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाता है। पुरातत्व विभाग अगर नष्ट हो गया है या तो नष्ट होने के कगार पे है तब है तो स्मारक स्थलों की निश्चित पद्धति से मरम्मत सरकार करवाती है। इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे। इमारत की मरम्मत करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि मूर्ति या शिल्प स्थापत्य का जो रूप रंग है वो उसमें बदलाव नहीं आए। इन सब का ध्यान रखकर हमें इन सब में नया कार्य शुरू करना चाहिए, यानी उन सब का निर्माण करवाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक सरकारी विभाग अपनी देख रेख में लगभग 5,000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रख रखाव के लिए कार्य करता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहेतु योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनासम मंदिर के समुद्र में डूब जाने की स्थिति है। आंध्र प्रदेश में क्या, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर मतलब उसमें बांध बांधा गया, उसके कारण क्या है, संगमेश्वर मंदिर और पापनासम मंदिर के दोनों क्या है, समुद्र में डूब जाने की स्थिति में। परंतु पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलता पूर्वक स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सागर बांध योजना जो है वहाँ पे ये सब क्या डूबने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने क्या काम किया, उन मूर्तियों को वहां से ले जाकर आंध्र प्रदेश के महबूब नामक जिले के आलमपुर में उसको बड़ी सफलता पूर्वक वहां पर स्थानांतरित, यहाँ पे वहां पर मूर्ति की स्थापना कर दी उन्होंने। विश्व के 7 आश्चर्यों में आगरा के ताजमहल की गणना की जाती है, मतलब विश्व के 7 आश्चर्यों में
आगरा के ताजमहल की गणना यानी गिनती भी की जाती है। मथुरा की रिफाइनरी तथा उद्योगों के धुएं से धुएं से वायु प्रदूषण कारण ताजमहल का श्वेत संगमरमर धुंधला और पीला पड़ रहा है, जिसके कारण पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया था तथा ताजमहल की नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था भी की थी। आज ताजमहल की चमक बनी हुई, देखो उसको वहाँ पर क्या है, रिफाइनरी उद्योगों के कारण क्या है, ताजमहल की जो श्वेत रंग श्वेत संगमरमर था वो क्या धीरे धीरे धुंधला पड़ते जा रहा था, जिसके कारण क्या है, पुरातत्व विभाग ने उस प्रदूषण जो रिफाइनरी कारण जो फैल रहा था उस उद्योग को उन्होंने बंद करवा दिया और ताजमहल की नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था की। आज ताजमहल की चमक वैसे ही बच्चों बनी हुई है। अब है संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका। भारतीय निधि व्यापार कानून 1876 के अनुसार अपना घर, खेत, कुआं, तालाब आदि बनाते या खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीज वस्तु मिल जाए तो पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना देनी होती है। देखो भारतीय नियम यानी अधिनियम के अनुसार 1876 में अगर आप अपना घर बना रहे हो, खेत बना रहे हो, कुआं, तालाब आदि का निर्माण कर रहे हो, अगर उसको खोदते समय कोई पुरानी चीज या कलात्मक कोई चीज वस्तु मिलती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना दे दो, जिससे उसका संरक्षण उसी स्थान या संग्रहालय में हो सके, ताकि उसका संरक्षण उसकी सही स्थान और संग्रहालय में हो सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधी कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त की है। यह संस्कृति अर्धमागधी प्राकृतिक पाली और हस्त प्रतियों का रख रखाव उसका संग्रह होता है। प्रत्येक राज्य के लेखागार प्रत्येक राज्य के लेखागार आर्काइव्स में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियों तथा अति मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों का कार्य महत्वपूर्ण है। देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय निम्नानुसार है। देखो बच्चों, ये जो संग्रहालय है, ये 9 संग्रहालय दिए हैं, ये किस शहर में है, किस राज्य में है, इनका नाम क्या है, ये आपको अपने आप से याद करना है, ये आपका होमवर्क है। सभी संग्रहालयों के रख रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सबकी भी है, बल्कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। तो बच्चों, ये देश का संग्रहालय यानी म्यूजियम जो है उसको आप याद कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम में एक नंबर का हमेशा पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में मैं आगे का आपको बताऊंगी।